नमस्कार। ग्लोबल मास्टर हिप्नोटिज्म एंड मैग्नेटिज्म हीलिंग एकेडमी की ओर से मैं के हिलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म में मंत्रों का उच्चारण होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं अमरकंठक जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ और बीच में बहुत खूबसूरत जंगल लगता है और इस जंगल की खूबसूरती बहुत अच्छी है। तो मैं केवल जंगल की खूबसूरती के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म में जो मंत्रों का जो उच्चारण होता है, उस मंत्रों का वाइब्रेशन होता है। अब मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर, यदि मंत्र का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए, यदि हम वो मंत्रों का उच्चारण अगर घर में बैठ के करते तो होता है क्या? बिल्कुल होता है। उच्चारण का मतलब मेरा ये है कि उसको जो चैंटिंग करना है, चैंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए, अगर ऐसी अगर जगह है, अगर आपके गांव में या फिर आपके शहर से दूर कहीं पर अगर ऐसी जगह है, तो वहाँ पर शांति महसूस होगी और जब वो शांति होती है, उस शांति में बैठ कर अगर आप उसका उच्चारण करते हो मन लगा के, ध्यान लगा के, तो वो बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही सफलता उसमें मिलती है। मैं स्वयं, मेरे यहाँ जो जंगल है, मैं अमरावती में रहता हूँ और अमरावती से दूर एक गांव है चांदूर रेलवे करके और कौंडण्यपुर करके ऐसा एक गांव है, उन दोनों भी तरफ अगर जाते हैं आप तो बीच में जंगल लगता है और ऐसे जंगल में हरी भरी जो पत्तियाँ होती है, हरे हरे पेड़ होते हैं और वहाँ की जो शांति होती है, उस शांति में मैं कुछ देर बैठकर वहाँ पे ध्यान लगाता हूँ तो काफ़ी अच्छा ध्यान लगता है और काफ़ी एनर्जेटिक लगता है। तो जो लोग भी ये सीखे हैं वो ज़रूर इस तरह का प्रयोग ज़रूर करें, उससे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और ऐसे बहुत सारे उनको चमत्कार दिखेंगे। देखिए, मैं चमत्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को चमत्कार बोला कि वो एकदम अवेक हो जाती है, अरे बाप चमत्कार होगा। तो चमत्कार का मतलब ये है कि उस मंत्रों के उच्चारण से जो ऊर्जा पैदा होगी, वो ऊर्जा आप स्वयं महसूस करोगे। क्योंकि देखिए, मंत्र तो हर कोई बोलता है लेकिन उसकी ऊर्जा का वो अनुभव नहीं कर पाता। तो आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो आप उस ऊर्जा का अनुभव भी कर पाओगे। बहुत बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर, बहुत ही शांत सुकून। अभी ठीक है, मैं तो रोड के किनारे खड़ा हूँ इसलिए गाड़ियों की आवाज़ वगैरह आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको मैग्नेटिज्म और मेस्मरिज्म में हीलिंग के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपके कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर लिखिए और यदि कुछ जानकारी चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हो और यदि किसी को मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म सीखना है तो भी वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हिप्नोटिज्म भी सीखना है तो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।